नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्वैडलिंग टेक्निक, ये क्या होती है और इसका क्या बेनिफिट होता है। ये उन वीडियो सीरीज का पार्ट है जहां मैं सेरिब्रल पाल्सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती हूँ और पेरेंट्स की मदद करना चाहती हूँ ताकि वो अपने बच्चे का बहुत ही आसानी से और अच्छे से घर। आई नो एज एन पेरेंट्स यू वॉन्ट टू हेल्प योर चाइल्ड वेरी बैडली, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस यू डोंट नो इन वॉट वे यू कैन हेल्प योर चाइल्ड एट होम। And that's why I've created these videos so that I can help you out and guide you as in how you can help your child at home. So today let's talk about swaddling. What is swaddling? How it helps and how you should do it. So let's begin. Friends, swaddling का मतलब होता है कपड़े में baby को roll करके फिर सुलाना। ये एक बहुत ही common method है और शायद हर सारे cultures में इस मेथड को यूज किया जाता है, स्पेशली नवजात शिशुओं में या फिर न्यू बॉर्न बेबीज में। बट इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन और अ सेरेब्रल पाल्सी, स्वैडलिंग इज एन टेक्निक व्हिच यू कैन यूज फॉर अ वेरी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। द बेनिफिट्स ऑफ स्वैडलिंग आर ट्रेमेंडस एंड दैट्स व्हाई इट्स अ गुड आइडिया दैट यू इनकॉर्पोरेट स्वैडलिंग इन योर डे टू डे एक्टिविटी फॉर योर चाइल्ड। सो व्हाई स्वैडलिंग इज सो इंपॉर्टेंट? Well, the reason why swaddling is important is because it gives a sense for the baby as if the baby is in the womb of the mother. बच्चे को एक ऐसा सेंस मिलता है कि बच्चा जो है वो माँ के गर्भ में ही है। ये वो पोजीशन होती है जहां जो बेबी होता है या बच्चा होता है वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करता है, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड और काम डाउन फील करता है। स्वैडलिंग टेक्निक एक सेंसरी स्टिमुलेशन देती है बेबीज को, वो सेंसरी स्टिमुलेशन जिसकी मदद से बेबीज को कामिंग इफेक्ट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी या सपोर्ट मिलता है। ये सेंसेशन बेबीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जब सिक्योर्ड फील करता है, बच्चा जब काम डाउन और रिलैक्स्ड फील करता है, तब जो बेबी है वो कम रोएगा, कम क्रैंकी होगा, अच्छे से सो पाएगा। और जब बेबी अच्छे से सो पाएगा, जब वो उठता है, ही विल बी मोर फ्रेश एंड ही वुड बी मोर कोऑपरेटिव इन द एक्सरसाइजेस। And that's why swaddling is one of the best technique that you can adopt to your child. So now the question comes, to till what age you can use swaddling technique for your babies or else your child? अगर आपका बच्चा cerebral palsy पीड़ित है या delayed developmental milestone पीड़ित है तो आप उसको 3 से 4 साल की उम्र तक के swaddle कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्वैडलिंग करने के लिए आपको आपके बेबी के साइज का डबल साइज का कपड़ा लेना होगा, उसमें बेबी को सेंटर में सुलाना होगा और कपड़े को रोल करना होगा बेबी के इर्द गिर्द। लेकिन इस पोजीशन में 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जो बेबी के जो हाथ होते हैं ये क्रॉस होने चाहिए बॉडी की तरफ और जो पैर भी होते हैं ये स्लाइटली बेंड होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए। दोनों को हल्का सा मोड़ दीजिए और फिर बेबी को रोल कीजिए। इससे बेबी बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन में होगा जैसा बेबी मदर के गर्भ में होता है, जो बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। इसके बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो स्वैडलिंग के बहुत सारे प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्रैंकीनेस इन बेबीज, बेबी को बहुत अच्छी नींद आती है, बेबी का सेंसरी डेवलपमेंट अच्छा होता है, साथ ही साथ जो बेबीज होते हैं ये अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट के साथ जब वो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में सोते हैं तब, और जब बेबीज आर एबल टू स्लीप नाइसली उनकी ब्रेन सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये भी ज्यादा होता है जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। और इसीलिए स्वैडलिंग इज वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग वे व्हिच यू शुड यूज फॉर योर चाइल्ड इफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन और सेरेब्रल पाल्सी। फ्रेंड्स, आई होप थ्रू दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू स्वैडल योर चाइल्ड। One bonus tip that I would like to give you here is, along with swaddling, if you make your child to sleep in hammock,
जिसका मतलब है कपड़े में बेबी को रोल करके अगर आप कपड़े के पालने में अगर अपने बेबी को सुलाते हो तो यू विल गेट डबल बेनिफिट। बच्चे को और ज्यादा अच्छा सेंसरी स्टिमुलस मिलता है और बच्चा और बेहतर तरीके से सो पाएगा, काम डाउन रह पाएगा, रिलैक्स रह पाएगा और आपको आपकी थेरेपी या जो भी आप घर पे एक्सरसाइज कराते हो अपने बच्चे को वो करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, काफी ज्यादा बेबी कोऑपरेटिव रहेगा, टोन भी नॉर्मलाइज होगा जिसकी मदद से आप आसानी से बेबी को एक्सरसाइज करवा। तो दोस्तों आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, make sure to like this video, share this video with your friends and family members, and do not forget to subscribe to HealthQ channel. I'll see you in another video. Thank you.